गुलबर्गा शहर में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़क के किनारे कारोबार करने वालों की दुकानें हटाई गई हैं, जिसकी वजह से गरीब कारोबारी बेहद परेशान हैं। बढ़ती महंगाई और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हुए ये लोग सुपरमार्केट और दीगर इलाकों में कारोबार कर रहे हैं और अचानक इस तरह इनकी दुकानें तोड़े जाने से ये लोग सड़क पर आ गए हैं। इन मजबूर कारोबारियों को परेशान देख जेडीएस गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम सुपरमार्केट पहुंचकर इनसे मुलाकात की। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से इन कारोबारियों को आईडी कार्ड और लाइसेंस भी दिए गए हैं, उसके बावजूद बिना किसी इंटीमेशन के अचानक इनकी दुकानों पर हमला किया गया है। तमाम कारोबारियों को परेशान देख नासिर हुसैन उस्ताद ने कॉरपोरेशन कमिश्नर और गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मसले पर बात की है और कुछ सोल्यूशन भी निकाले गए हैं। इस मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद के साथ कलीम एडवोकेट अफजल महमूद, शादाब मलिक, सिराज शाब्दी, नज़ीर अहमद और दीगर जेडीएस लीडर भी मौजूद थे। पिछले 3 महीनों से कपड़ा बाजार के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको निकाला गया और तकरीबन 20 दिन पहले चप्पल बाज़ार के स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ से डिसलोकेट किया गया बगैर किसी प्रायर नोटिस के, बगैर कोई इंटीमेशन के। जब से अब तक मुसलसिल हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ये जो गरीब कारोबारी हैं ये कोशिश करते रहे हैं कि उनको कारोबार करने की जगह मुहैया की जाए और आसानी हो। आज 2 दिन पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई, कल मुझे वहाँ पर सुपरमार्केट में बुलाया गया था, वहाँ पर हम जा कर के हमने देखा इन गरीब लोगों के हालात, जो सुबह में शाम तक काम करते हैं और शाम में अपना रोज़गार उनका पेट भरता है। ऐसे लोग तकरीबन 400 लोग वहाँ पर हैं, तो इस चीज़ का क्या अल्टरनेट मेजर, क्या हल हो सकता है, किस तरह से ये गरीब लोग अपने रोज़गार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसके ताल्लुक से लेकर के आज हमारी जनता दल सेकुलर की टीम और तमाम स्ट्रीट वेंडर्स के जिम्मेदार हमारे नॉर्थ के वर्किंग प्रेसिडेंट कलीम एडवोकेट साहब, सिराज शाब्दी साहब, नज़ीर साहब, शादाब मलिक साहब, अफजाल महमूद साहब और बहुत सारे जिम्मेदार हमारे और पूरे यहाँ के जिम्मेदार यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ दो घंटे से मुसलसिल हमारी बातचीत हुई पुलिस कमिश्नर रवि कुमार साहब से। रवि कुमार साहब ने इनिशिएटिव लेकर के ट्रैफिक के तमाम जिम्मेदारों को, एसीपी क्राइम को, तमाम लोगों को वहाँ पर अपने ऑफिस में बुला करके मीटिंग को रखा था। 2 घंटे के इस मुसलसिल मीटिंग के बाद ये डिसीजन के लिए आया है कि जितने भी मैक्सिमम जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उसी रोड पर अपोजिट साइड में एकोमोडेट करने की वो कोशिश करेंगे और एक अल्टरनेट रास्ता किस तरह से निकाला जा सकता है बिल्कुल खुले दिल से, खुले साफ नीयत के साथ वो महसूस हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी उसको फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचा है, मैं मीडिया के सामने ये बोलना मुनासिब नहीं समझता कि हल हो चुका है, हल के तरफ हम 90% हम बढ़ चुके हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि आज 5:30-6 बजे का टाइम दिए हैं मैडम हमारे ACP सुधा हादी मैडम जो है वो, और ट्रैफिक के जो सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं वो दोनों वहाँ पर स्पॉट पे आएंगे और हमारे जिम्मेदार भी वहाँ पर रहेंगे, किस तरह से वहाँ पे उनको अल्टरनेट जगह दी जा सकती है उसी रोड पर, उसके बारे में वो एक सर्वे करेंगे और वही जिम्मेदार रहेंगे आगे उन कारोबारियों को वहाँ पे सेटल करने के लिए। एक रास्ते की तरफ हम बढ़े हैं, पूरी उम्मीद हमारी है कि हम इन गरीब लोगों को जो मार्केट के अंदर कारोबार करके अपने घर को चलाते थे, इंशाल्लाह शाम में 6-7 बजे तक इंशाल्लाह एक रास्ते तक हम चल पाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, जनता दल पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रेसिडेंट गुलबर्गा। मुसलसल पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पे मार्केट के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एविक्टेड, मतलब उनको यहाँ से निकाला गया। तो लगभग 300 जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोग बेरोज़गार थे। यहाँ पे एक नज़रिया ये आ रहा है कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स को देख रहे हैं, मगर ये दूसरे नज़रिए से अगर देखेंगे तो 300 फैमिलीज़ है, ये जो 300 फैमिलीज़ परेशान है पिछले 12-15 दिनों से।
तो यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पिछले 15 दिन से बराबर मुसलसल डेली जाकर वो लोग बात कर रहे हैं, पर उनके तरफ से भी कोई इनको सपोर्ट, उनको मदद नहीं मिल रही है। बहरहाल जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हम लोग सब मिलकर कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पे जाकर हम लोग बहुत अच्छा गुफ्तगू हुई, इस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई और वहाँ पे एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि बंडी एसोसिएशन एक हम लोग बनाएंगे, एक बंडी यूनियन बनाएंगे। बंडी यूनियन इसलिए बनाना है क्योंकि पहले तो ये है कि ये बंडी वालों के साथ कोई एक रहनुमा नहीं है, कोई एक टीम नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है जो इनको गाइड कर सके कानून के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है, कारोबार के बारे में, स्कीम्स के बारे में। तो इसलिए ये तय हुआ कि पहले हम लोग एक यूनियन बनाएंगे, बंडी यूनियन बनाएंगे। यूनियन में तमाम बंडी वालों को मेंबरशिप में लेंगे और मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कारोबार में, डिसिप्लिन में हम लोग इनकी मदद करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कमिश्नर सर के तरफ से एक परमिशन हमारे को मिली कि रोड के जो चप्पल बाज़ार है वो रोड पे हम लोग ठेला, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं, और जो दूसरे जो रोड के से इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है कि आने वाले वक्त में वहाँ पे भी अल्लाह चाहे तो हमको इजाज़त मिलेंगी और तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग अकुपाई कराएंगे एक स्पेस पे जहाँ पे वो कारोबार अच्छे से कर सके। आज सुपरमार्केट में जैसे कि 2 दिन से कमिश्नर ऑफिस में पूरी टीम हमारी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ सिराज शाब्दी, नज़ीर मौलाना, हम पूरे फिर रहे थे, तो आज सुबह में 1.5 घंटा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, या मैं समझता हूँ यहाँ हमारे पूरे जितने भी बंडी वाले हैं, तेला बंडी वाले हैं, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर बात हुई कि पहले यहाँ पर दोनों तरफ से, एक तो गवर्नमेंट ऑफिस है, बीओ ऑफिस है, यहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, लोगों का आते जाते ऑब्जेक्शन आ रहा है और पुलिस वालों के को टेंशन दे रहे हैं, पब्लिक दे रही है। तो उसके बाद 1.5 घंटे के बाद 25-30 बार रिक्वेस्ट करने के बाद गुलबर्गा के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब ने बात को ठीक है कहा कि एसीपी सुधा मैडम और 2 सर्कल को बोला कि आप लोग वहां पर जाइए, जाकर देखिए कैसा करना है, देखकर ये लोग कैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से करिए बोलकर बोलने के बाद यहाँ पर अब एसीपी मैडम और दोनों सर्कल यहाँ पर आए थे और देखे। देखने के बाद समझ में आया कि ये 2018 में भी, इससे पहले भी चप्पल बाज़ार का मसला होने के बाद मैं खुद यहाँ पर मौजूद था। आप सब लोगों को याद है, याद नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पर था, मेरी टीम थी, बाबा मियाँ थे और सर्कल असर नायक थे, वो जब भी चप्पल के दुकानों का मार्क करे थे हम जब का जब भी चुप, नॉमिनल हमारे बाबा मियाँ को सदर बोलकर भी जब भी बने थे यहाँ ये चप्पल इधर का, तो ये सब सिस्टमेटिक हुआ था। उसके बाद अब फिर 3 साल के बाद आप कपड़ बाज़ार वालों को 3 महीने दिए, कपड़ बाज़ार के 3 महीने से ठहरे नहीं दे रहे, वो भी 16-17 लोग हैं खाली यहाँ पर। हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग करना है, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं आप लोगों को खुला खुला बोलना चाह रहा हूँ, हमारे दुकान वाले होंगे या बंडी वाले होंगे, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पुलिस वालों से अच्छा व्यवहार हमारा रहना चाहिए, पब्लिक के साथ हमारा अच्छा व्यवहार। आप दुकान वाले एक दो जने बोले कि अरे पुकार रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो अपन धंधा कारोबार सुबह आते हैं शाम तक यहाँ रहते हैं, तो मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, पुलिस वालों के साथ अच्छे रहना, लोगों के साथ अच्छे रहना, दुकान वालों के साथ अच्छे रहना, शॉप के साथ अच्छे रहे, तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा हल नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर आने के बाद बाबा मियाँ को जिम्मेदारी दिया गया इसी मैडम, वो बाकी का काम जो भी है वो करेंगे, उसके बाद कल फिर एक बार आकर देखेंगे। सिराज साहब जी हमारे इकबाल साहब हैं, बागवान, ये भी लगे हुए हैं पीछे कंटिन्यू, 15 दिन से फ़ोन कर रहे हैं नासिर उस्ताद साहब को, पूरे लोग तुम्हारे साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हमारी मजबूरी है वो हिसाब से काम करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आने वाले दिन में इससे भी अच्छा आप लोगों को प्लेटफॉर्म बनाकर देंगे, हम पूरे आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह।